लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। रूस में तुंगुस्का नदी के किनारे घने वन क्षेत्र में 3 जून 1908 की सुबह अंतरिक्ष से जलता हुआ उल्कापिंड गिरा था। तब से अब तक वैज्ञानिक उसका रहस्य पता नहीं कर पाए हैं। यह पता नहीं लग पाया है कि वह घटना कैसे हुई थी। आज भी वैज्ञानिक उस घटना को अध्ययन में शामिल करते हैं। 30 जून का वह दिन दोस्तों देशों में एस्टेरॉयड डे के तौर पर मनाया जाता है। उस उल्कापिंड का आकार इतना बड़ा था कि उसके वहां गिरते ही 1200 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र प्रभावित हुआ था। जिस स्थान पर वह गिरा था वहां पहले घने वृक्ष थे, परंतु उस घटना के बाद से उस जगह पर आज तक एक भी वृक्ष नहीं उगा है। तब आग से सैकड़ों किलोमीटर क्षेत्र में वृक्ष नष्ट हो गए थे। तुंगुस्का नदी साइबेरियाई क्षेत्र में आती है। वहां घने वन होने के कारण इस घटना में किसी की जान जाने की बात सामने नहीं आई थी। वैज्ञानिकों का अध्ययन बताता है कि जलते हुए उल्कापिंड के कारण उस जगह पर अंदर तक बहुत नुकसान पहुंचा था, जिसके कारण वहां की भूमि पर आज भी उसका निशान है। इस घटना से 64 किमी दूर एक व्यक्ति उस वक्त कार चला रहा था। उसे जोर का झटका लगा था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी शर्ट जल रही है। उसने आसमान में देखा तो जैसे लगा कि आसमान भी दो हिस्सों में बंट गया है। एक तरफ नीला आकाश, दूसरी तरफ आग का रंग वहां दिख रहा था। जब उल्कापिंड धरती के वातावरण के नजदीक पहुंच जाते हैं तो उनमें बल उत्पन्न होता है। इस वातावरण में प्रवेश करते ही वे जलने लगते हैं और उसी बल के कारण तीव्रता से वे किसी दिशा में गिर जाते हैं।